सभी आ रहे हैं, आप उनको अपने सरों पर गाइज वेलकम बैक टू माई वन व्लॉग। सो अभी आज रमज़ान है, मतलब रमज़ान का पहला फ्राइडे है, तो अभी मैं जा रहा हूँ नमाज। तो अभी चलो नमाज चलते हैं। नमाज चलने का पूरा मैं व्लॉग दिखाऊंगा आपको रमज़ान के टाइम, फर्स्ट फ्राइडे के दिन कितना भीड़ रहता है तो जुमा मस्जिद में, तो वो सब दिखाऊंगा। इसी के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में ना पिन दे रखा है किसका, फूड ब्लॉगिंग का, जो वो भटकल मैं आपको मैं दिखाने वाला हूँ आर्य के ऊपर का, मतलब ऊपर भटकल के ऊपर साइड का और नीचे साइड का भी, तो पिन डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेक कर लेना। एंड देखते हैं, आज चलते हैं पहले नमाज पढ़ने। दूसरे नमाज तक अगर आदमी गुनाहे कबीरा से बचता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहे सगीरा को, दूसरे गुनाहों को माफ फरमा देता है। कोई रोजेदार को रोजा इफ्तार कराता है अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत, और उसको उतना ही अज्र मिलता है जितना रोजेदार ने रखा है। हमारे पास इफ्तार कराने के लिए कुछ नहीं है, कम से कम पानी और खजूर तो है। अल्लाह ऐसे ऐसे आमाल करके दिखाए हैं कि मुझे यहां बयान करना भी शर्म महसूस हो रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। एक और इस्लाम के हर रुख में
अवश्य सवाब की उम्मीद है। मैं विधान देता हूँ, हम लोग गाय खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? गाय क्यों खरीदते हैं भाई? दूध देने के। लेकिन दूध का महीना अल्लाह ताला देने पर आ रहा है, जितना हम ले सके लेते जाए। एक नेकी का सवाब 10 गुना बढ़ा दिया जाता है, 10 गुना से 700 गुना बढ़ा दिया जाता है, और पता नहीं अल्लाह देने पर आए तो कितना दे दे। मेहनत अल्लाह ने हमें पैदा क्यों किया है? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ। اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پیدائش کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، جس کو اس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کام کے لیے اپنے آپ کو نہ لگائے۔ ہر کام کے لیے، ہر چیزوں کے لیے چند مقاصد ہوا کرتے ہیں، جب تک وہ چیز اس کام کو انجام دیتی ہے آپ اس کو اپنے سروں پر رکھتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اس کو عزیز رکھتے ہیں، اور جب وہ چیز کام کرنا چھوڑ دیا اٹھا کر اس کو پھینک دیتے ہیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہماری حیثیت تو مجھنا یہ شرمگاہ کی شہوتیں